Assalamu alaikum everyone. My name is Rehanullah. I hope you are fine. My dear viewer, aur 73D ke lesson number 18 ke saath hazir hu. Aaj ke lesson mein hum plant production and section shears creation ke bare mein padhte hain. Kya aapne section shear kis tarah create karna hai aur isko kis tarah PDF mein convert karna hai, to aaj ke lecture mein hum ye padhte hain. To chalo practical start karte hain. यहां तक हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था और आज के लेक्चर में हम सेक्शन शीट क्रिएट करते हैं. तो इसके लिए सबसे पहले आपने इस होम पे क्लिक करना है, ठीक है. इसके बाद आपने सेक्शन व्यू पे क्लिक करना है, देन क्लिक ऑन क्रिएट मल्टीपल व्यू. इसके बाद आपने अलाइनमेंट सेलेक्ट करना है, ठीक है. इधर हमारे साथ अलाइनमेंट 1 है, आपने अलाइनमेंट 1 सेलेक्ट करना है, ठीक है. Then click on next. और यहां से आप scale select कर सकते हैं, ठीक है. Then again click on this dot. यहां से मैं A3 size select करता हूं, then open, ठीक है. Again आपने ये 1 to 250 scale आपने select करना है, then click on OK, then click on next, 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 and again click on next. इसके बाद आपने create section view पे क्लिक करना है और यहां आपने origin select करना है. तो यह आप देख सकते हैं कि sheet create हो गया, section create हो गया. इसके बाद इसका वर्टिकल स्केल आपने थोड़ा सा डिक्रीज करना है ताकि ये एडजस्ट हो जाए शीट में. तो इस सेक्शन पे क्लिक करना है, देन राइट क्लिक, क्लिक ऑन एडिट सेक्शन व्यू स्टाइल. और यहां आपने इस वर्टिकल स्केल को थोड़ा सा कम करना है. फॉर एग्जांपल मैं ये 1 सेलेक्ट करता हूं, देन क्लिक ऑन अप्लाई एंड ओके. तो आप देख सकते हैं कि ये एडजस्ट हो गया, ठीक है. इसके बाद आपने शीट क्रिएट करना है, ठीक है. तो उसके लिए सिंपली आपने आउटपुट पे क्लिक करना है, देन क्लिक ऑन क्रिएट सेक्शन शीट. इसके बाद आपने यहां से स्टोरेज लोकेशन सेलेक्ट करना है. एग्जांपल ये मैं डेस्कटॉप में सेव करता हूं सर्वर डेटा में. इसके बाद आपने ओपन करना है, देन क्लिक ऑन क्रिएट शीट एंड ओके. मैंने वो ये आप देख सकते हैं कि शीट क्रिएट हो गया. सबसे पहले आपने एक शीट पे क्लिक करना है, ठीक है. तो ये आप देख सकते हैं ये शीट क्रिएट हो गया. लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि ये सही तरीके से एडजस्ट नहीं है. तो इसको आपने किस तरह एडजस्ट करना है इसका प्रोसीजर मैं आपको दिखाता हूं. तो इसके लिए सबसे पहले आपने ये सेलेक्ट करना है. इसके बाद आपने राइट क्लिक करना है, ठीक है. और यहां ये जो डिस्प्ले लॉक है इसको आपने नो करना है, ठीक है. इसके बाद आपने डबल क्लिक करना है यहां पे, ठीक है. इसके बाद आप अपनी मर्जी के हिसाब से ये ठीक कर सकते हैं, ठीक है, ताकि ये सेंटर पे हो जाए. इन अगेन आपने वायर क्लिक करना है, ठीक है. इन अगेन क्लिक ऑन दिस बॉर्डर एंड राइट क्लिक और डिस्प्ले लॉक को आपने यस करना है, ठीक है, ताकि ये जूम आउट और जूम इन के साथ डिस्टर्ब ना हो जाए, ठीक है. इसके बाद इस शीट को आपने किस तरह पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए आपने सेक्शन शीट इस पे क्लिक करना है, ठीक है. यहां राइट क्लिक, क्लिक ऑन फॉर्मेट, यहां आपने फॉर्मेट सेलेक्ट करना है
www.g2pdf। इसके बाद आपने प्रीव्यू टिक करना है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसके प्रीव्यू, ठीक है। इसके बाद आपने ओके करना है और यहां से आप जहां पे सेव करना चाहते हैं वहां पे आपने क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल मैं डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ। इसके बाद आपने यस करना है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि शीट क्रिएट हो गया क्रॉस सेक्शन का, ये आप देख सकते हैं। इसको आप जूम करना चाहते हैं तो भी कर सकती हैं, ठीक है। अभी और ये क्लियर नहीं है क्योंकि इसमें मटेरियल अप्लाई है जिसको आपने ऑफ करना है, ठीक है। लेकिन हमने इसे ऑन किया है ताकि आपको सही नजर आ जाए, ठीक है। इसके बाद आपने क्रॉस पे क्लिक करना है। मधुर, ये था आज का लेक्चर। इस सेम प्रोसीजर से आप सारी शीट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। If you have any question or problem in this lecture, please comments me. And if you don't subscribe my channel, please subscribe my channel and press the bell icon for new updates. Inshallah, see you with another video. Bye bye.